हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए। अभी मैं आप लोगों को डेली टू डू लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, 5 से 6 दिन ही हुए हैं, अभी हम बेसिक्स पे ही काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ से प्रिपेयर करना है, ये कौन से टीचर से पढ़ना है। तो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी कहाँ से करना है। सभी कैटेगरीज वाले स्टूडेंट के लिए, जो बुक से पढ़ते हैं, जो एजुकेटर से पढ़ते हैं या जो सेल्फ स्टडी करते हैं, सभी के लिए मैं सोर्स बताऊंगी। तो आप अपने हिसाब से आपको जो बेस्ट लगता है आप वो कर सकते हो, राइट। बट सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस के थ्रू हम पढ़ते रहते हैं, तो कई बार जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं अलग से बुक लेके, तो नहीं होता है, ठीक है। तो सारी कैटेगरीज के लिए बताऊंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डेली टू डू लिस्ट आपको मिल रही है, आप उसको फॉलो करोगे तो आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन आपको उसको डेली रेगुलरली फॉलो करना है, बिना कोई टॉपिक स्किप किए बिना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने इंग्लिश को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला है रीडिंग पार्ट, वोकैब, और सेकंड पार्ट है ग्रामर, और थर्ड पार्ट है आपका प्रैक्टिस करना, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे पार्ट में जो मैंने मेंशन किया है एडिटोरियल स्टोरीज, आप इनको रीड कर सकते हो। अगर आप न्यू हो, बिगनर हो, आप लोगों को एडिटोरियल द हिंदू पढ़ने में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, या फिर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप स्टोरीज से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास स्टोरीज बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऑनलाइन आपको स्टोरीज मिल जाती है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप रीड करो, ठीक है। वहां से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको मिल जाते हैं, आप उनको नोट कर सकते हो अपने पास। और अगर आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, एडिटोरियल ही पढ़ना है, तो आप द हिंदू को मत लो। द हिंदू थोड़ा सा टफ हो जाती है उसकी लैंग्वेज, आप इकोनॉमिक टाइम्स को लो, उसमें लैंग्वेज भी आपकी थोड़ी बहुत सिंपल रहती है, ठीक है। द हिंदू को उठाओगे डायरेक्टली तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स से, मुझे यही पढ़ना ठीक लगता है, ईजी लगता है, तो स्टार्टिंग में यही आपको करना चाहिए। द हिंदू को मत उठाओ, द इकोनॉमिक टाइम्स में आपकी कमांड अच्छी बनने लगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक प्रॉपर तरीके से, आपको समझ में आने लगे, उसके बाद आप द हिंदू को भी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वही आर्टिकल आपके रहते हैं, आर्टिकल पढ़ने। अब उसमें क्या है, आपको वोकैब मिलती है, न्यू वर्ड्स मिलते हैं, उनको आपको नोट कर लेना है, उनके मीनिंग नोट कर लेने हैं, और उनके साइनो और एंटोनो वर्ड आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इंग्लिश माध्यम के, अगर आपने नाम सुना होगा, इंग्लिश माध्यम की वेबसाइट पे जाना, वहां पे आपको क्या मिलेगा, डेली इकोनॉमिक टाइम्स द हिंदू के आर्टिकल आपको वहीं पे मिल जाते हैं, एडिटोरियल का जो पूरा सेक्शन रहता है, सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इंग्लिश माध्यम की आज की पीडीएफ रहेगी। तो मैंने एक एडिटोरियल उठाया है 4 अप्रैल का, इसमें देख सकते हो आप जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सभी के मीनिंग्स लिखे हुए हैं, और सिमिलर मीनिंग्स भी हैं, अपोजिट्स मीनिंग्स भी हैं इनके, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जो एडिटोरियल है वो समझाया है, आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा पढ़ने में। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो यहाँ पे आपको उसकी मीनिंग्स लिखे हैं, तो आप उसको रीड कर करके अपना जो एडिटोरियल है वो कम्प्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो एडिटोरियल की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके ये सारे मीनिंग्स हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी मीनिंग्स आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो पीडीएफ के सेकंड पेज पे जाओगे तो यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिख रही है, तो यही इसी एडिटोरियल की आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिख रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे क्लोज टेस्ट आ गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपके एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस हैं, और ये उनके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2-3 काम हो जाते हैं एक ही पीडीएफ में, आपने वर्ड्स भी इतने सारे पढ़ लिए, उसके बाद आपने एडिटोरियल भी पढ़ लिया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। रीडिंग पार्ट आपने न्यूज़पेपर से कवर कर लिया, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनने लगी इंग्लिश में, कैसे आपको वर्ड्स रहते हैं, कैसे कनेक्शंस रहते हैं वर्ड्स में, क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रामर, ग्रामर अलग से पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी जो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर आपके ग्रामर बेस्ड आते हैं, जैसे कि क्लोज टेस्ट हो गया, उसमें भी थोड़ा बहुत अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप जो ऑप्शंस हैं उसमें से एलिमिनेट करना ईजी हो जाता है। एरर डिटेक्शन है, मैच द फॉलोइंग है, सभी में आपकी ग्रामर काम आती है, चाहे आप कितने भी टॉपिक ले लो, ठीक है। तो ग्रामर के लिए आपको कहां से पढ़ना है, ये सारे चैप्टर्स रहते हैं आपके सिलेबस में बैंकिंग में, ठीक है। बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों की बात करी हूं, क्लर्क पे भी आपको यही फॉलो करना है और पीओ के लिए भी यही फॉलो करना है। मैं ये चैप्टर्स नोट कर लेना, 1 by 1 इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। अब कहां से करना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, बस आपको इतना ध्यान में रखना है ये सारे चैप्टर्स पढ़ने आपको जरूरी है। टोटल 120 रूल्स होते हैं आपके ग्रामर में, जिसपे आपके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट आता है आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। अगर आप ग्रामर कर रहे हो, सबसे पहले तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, ठीक है, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो पहले तो इन 2 सेक्शन पे अपना काम करो, उसके बाद आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब आपको लगने लगेगा, ठीक है, मेरी ग्रामर
ग्रामर के आधे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, रीडिंग वोकैब ये सारी चीजें भी आप साइड बाय साइड कर रहे हो। उसके बाद क्वेश्चंस उठाओ, बुक से उठा सकते हो, इंटरनेट पे आप इजी लेवल के क्वेश्चंस उठाओ, क्विज दो, तो ये सारे चैप्टर्स, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये आपके मेंस में यही क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के आते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब जितने भी यहां आपको टॉपिक दिख रहे हैं कि ये मुझे कहां से प्रैक्टिस करने चाहिए, प्रैक्टिस कंटेंट कहां पे मिलेगा और ये बेसिक्स आपको कौन करवाएगा, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता देती हूं कहां से करना है। तो यहां पे आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं सोर्स की, अगर आप बुक्स लेना चाहते हो, बुक्स प्रेफर करते हो, तो आप विशाल सर की अलग अलग बुक्स आती हैं, जैसे क्लोज टेस्ट की आ जाती है, पैराजंबल की अलग से बुक आती है, उनकी रीअरेंजमेंट की बुक आती है, ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप उनकी बुक्स ले सकते हो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट हर कोई सेम ही देता है, ठीक है। निमिषा मैम की बुक भी ले सकते हो, परफेक्शन बुक अगर आपने नाम सुना होगा तो आप इन दोनों बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाती हैं जितने भी आपको टॉपिक सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गाइडली का अगर आप ईयरली बंडल पीडीएफ लेते हो, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जिसमें कि आपका इंग्लिश बंडल पीडीएफ भी इंक्लूड आता है, क्वांट रीजनिंग्स और आपके जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, मॉक टेस्ट, सारी चीजें बंडल पीडीएफ में आपको मिलती है, ठीक है। और अभी 85% का ऑफ है, तो आप जाके परचेज कर सकते हो, इंग्लिश के लिए भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट उस पीडीएफ का क्या रहता है कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड रहते हैं, और एसबीआई के भी नहीं मिलेंगे आपको, सभी बैंकिंग एग्जाम के मिलेंगे, एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, सारे बैंक एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए इतना सारा कंटेंट मैंने आपको बता दिया है, आप जिसको भी लेना चाहते हो आप उसको ले सकते हो। अड्डा एस की बुक भी आप ले सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, अपना बेस बनाने के लिए। और अगर आपको सिंपली बुक को फॉलो नहीं करना है तो आप इस पीडीएफ को ले लो, गाइडली बंडल पीडीएफ, इसमें आपके सारे सेक्शन कवर हो जाएंगे। इंग्लिश बंडल पीडीएफ का एक अलग से आपको कोर्स भी मिल जाएगा, और जो आपका ईयरली बंडल पीडीएफ रहता है उसमें तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे डेली टारगेट के साथ, ठीक। तो ये आपके कुछ सोर्स रहेंगे, और इसमें भी आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना सन12, तो आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। कोई और कूपन कोड वहां पर यूज मत करना, वरना सिर्फ 10% का ही देते हैं वो, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, आपको मैंने सोर्स बता दिए प्रैक्टिस के, जहां से आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और हमेशा मैं बोलती हूँ सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। रीडिंग, अब नेक्स्ट आता है रीडिंग का कहां से करनी है, एडिटोरियल में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो किसकी हेल्प लेनी है, तो दोस्त आपको एजुकेटर मिल जाएंगे, विशाल सर, निमिषा मैम, इन दोनों के एडिटोरियल एनालिसिस आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है, वो क्या भी बताई जाती है, तो आप इन दोनों की हेल्प ले सकते हो। कोशिश करो सबसे पहले खुद से रीड करो न्यूज़पेपर, खुद से एडिटोरियल पढ़ो, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। डेली वीडियोज आपको मिलती है द हिंदू के एडिटोरियल की। नेक्स्ट आता है आपका जो प्रैक्टिस करने क्वेश्चन, उनका सोर्स ये रहेगा, आप उनको फॉलो कर सकते हो। निकले मैंने ये सारे सोर्स बता दिए आपको, आप डेली टू-डू लिस्ट में पूछते थे कि कौन से टीचर को फॉलो करना है, कहां से करना है, और एडिटोरियल के लिए मैंने विशाल सर और निमिषा मैम के बारे में बता दिया, ठीक है। इनकी डेली आपको एडिटोरियल मिल जाते हैं एनालिसिस, तो आप उनको कर सकते हो। नेक्स्ट यहां पे आता है ग्रामर, ग्रामर की वीडियोस कहां से मिलेंगी, अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आप बुक खरीदना नहीं चाहते हो अलग से ग्रामर की, तो आप क्या कर सकते हो, क्या सोल्यूशन होता है, निमिषा मैम की वीडियोज आपको मिल जाएंगी सारे चैप्टर्स की, ठीक है। तो मैं वही एजुकेटर आप लोगों को बताती हूं जो थोड़ा इजी वे में समझाता है चीजों को, ठीक है। तो निमिषा मैम की आप हेल्प ले सकते हो, फ्री वीडियोज हैं यूट्यूब पे, आप सर्च कर लेना कोई भी, अगर आप ग्रामर का चैप्टर सर्च करोगे, जैसे कि आपने सर्च किया डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच निमिषा मैम, पूरी आपके 2-3 घंटे की एक वीडियो आ जाएगी, उसको आप फिनिश करो, 1-2 दिन में फिनिश करो, उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है, आपका काम वहां से हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे 1 by 1 करके, और मैं डेली टारगेट आपको देती हूँ, ठीक है, तो उसी टाइम पर आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ग्रामर का पोर्शन भी हो गया। अब बात आती है कि क्विज कहाँ से देने हैं, तो क्विज आप अड्डा के क्विज दे सकते हो इंग्लिश में, ठीक है, और वीडियोस भी आती हैं उनकी, उदिशा मैम अगर आप फॉलो किया हो आपने कभी, तो वो भी क्विज कराती रहती हैं वीकली क्विज एसबीआई क्लब के लिए, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। तो आप सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इंग्लिश में कहां से प्रिपेयर करना है, क्या चीज प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, वो कैब कहां से मिलेगी, तो वो कैब आपको न्यूज़पेपर से ही कलेक्ट करनी है, और अगर आपको इतनी मेहनत नहीं भी करनी है तो आप इंग्लिश माध्यम पीडीएफ का ईयरली प्लान भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। न्यूज़पेपर पढ़ना आपको ईजी लगता है तो आप उस पर जाओ, जिसको जैसे समझ में आता है आप उसको वैसे करो, बट सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, आप एजुकेटर की हेल्प ले सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए, लेकिन उसके बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो किसी एक बुक से प्रैक्टिस करना, ठीक है, आप ठीक तरीके से रूल्स अप्लाई कर पा रहे हो ग्रामर के क्वेश्चंस में, आपको खुद से समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो बाकी 120 रूल्स की पीडीएफ निमिषा मैम की मिल जाती है, जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप उसको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की पीडीएफ उसको रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस की, और ऐसे ही करके इंग्लिश में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीलिम्स में कम से कम अगर आप 15 से 16-18 अटेम्प्ट करते हो, ये सारी चीजें अगर मैंने बताई हैं, तो आप 25+ अटेम्प्ट करके आओगे क्वेश्चन, वो भी बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो एक्यूरेसी भी अच्छी बनी रहेगी अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी मैंने कंटेंट बहुत सारा आपको बता दिया है, ये सारे कंटेंट बहुत सही है, आप किसी को भी ले सकते हो। बाकी अगर किसी में ऑफ होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर लेना। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है एसबीआई क्लॉक 2022 इंग्लिश सेक्शन के लिए। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एसबीआई क्लब को टारगेट कर रहे हैं और जिनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनके साथ जरूर इसको शेयर कर देना, क्योंकि जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है उनके बैंक एग्जाम बहुत जल्द निकल जाते हैं, राइट। ओके, सो स्टोरीज वगैरह की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके चेक कर लेना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।